अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर लिया संकल्प सिद्ध हुआ और भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या के कायाकल्प का मार्ग प्रशस्त हुआ। काशी में लिया संकल्प पूरा हुआ, काशीवासियों को भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मिला। और अब बारी श्री कृष्ण धाम मथुरा की है। संकल्प वही है, ध्येय वही है, अब मथुरा के कायाकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार है और मोदी पर ब्रजवासियों को पूरा विश्वास है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है, हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन किया। इसके बाद पीएम मोदी मीराबाई की 225वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित ब्रज रज उत्सव में शिरकत करने पहुंचे। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि बीजेपी के उस एजेंडे का हिस्सा रही है जो हिंदुत्व से जुड़ता है, तो क्या 2024 के चुनावों से पहले पीएम मोदी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पूजन अर्चन कर संदेश दे दिया है कि काशी अयोध्या के बाद अब बड़े कायाकल्प की तस्वीर मथुरा में तैयार होने वाली है। इस यात्रा के बहुत सारे सियासी मायने हैं क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे में मथुरा भी रहा है, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है और मथुरा की बारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस तरीके के संकेत मिलेंगे, जो कानूनी लड़ाई चल रही है उसमें तेजी आएगी, इसकी संभावना जो है जो कृष्ण भक्त हैं वो कर रहे हैं। 90 के दशक के मध्य से गाढ़े हिंदुत्व की लकीर पर खींची बीजेपी की राजनीति की तस्वीर एक नारे से परिभाषित होती रही। अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और इसलिए जब पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर 24 से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचते हैं तो इस बात की चर्चा स्वाभाविक हो जाती है कि क्या बीजेपी ने अपना मथुरा प्लान ओपन कर दिया है। तैयारी बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण की है। सूत्रों के मुताबिक बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचने के लिए तीन रास्ते होंगे। एक रास्ता जुगल घाट से सीधा मंदिर, दूसरा रास्ता विद्यापीठ चौराहे से होगा और तीसरा जादौन पार्किंग से आएगा। 5 एकड़ क्षेत्रफल में बांके बिहारी कॉरिडोर बनेगा। धर्म और कर्म पर सधे मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संकल्प अब भगवान श्री कृष्ण के मथुरा धाम का कायाकल्प करने को लेकर प्रतिबद्ध है। इसका सीधा फायदा होगा यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को और ब्रज क्षेत्र की जनता को, क्योंकि साल दर साल कान्हा की धरती पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। साल 2017 में कान्हा की नगरी में 5,07,77,825 पर्यटक पहुंचे थे। 2018 में यह आंकड़ा बढ़कर 5,60,37,695 हो गया। हालांकि 2022 में पर्यटकों के आंकड़ों में कमी आई और ये 2,65,00,000 रही। इसकी वजह थी वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बनना। दरअसल हिंदुओं के बड़े धार्मिक स्थलों पर बने कॉरिडोर्स ने पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा किया है और इसका सीधा और सकारात्मक असर स्थानीय कारोबार पर हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वाराणसी के राजस्व में 65% तक की बढ़ोतरी हुई है। 79% लोग एक वर्ष में आय बढ़ने से संतुष्ट हैं। सबसे ज्यादा फायदे में वाराणसी के नाविक रहे हैं। वही सालाना बिक्री 250 करोड़ हो गई है, औसतन
बनारस में 5 करोड़ लोग पहुंचते हैं। काशी विश्वनाथ धाम आपके नेतृत्व में बन करके आज पूरी देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उत्तराखंड का केदारपुरी एक नए गौरव की अनुभूति करा रहा है। महाकाल का महालोक हो या फिर हमारा यह ब्रजभूमि, भव्य कॉरिडोर्स ने मोदी राज में धर्म और आस्था के साथ ही स्थानीय रोजगार को भी मजबूत किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर और उत्तराखंड में केदारनाथ कॉरिडोर इसका बड़ा उदाहरण है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विजन में विकास की प्रतिबद्धता सबसे ऊपर रही है और विकास ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भरपूर बदला है। तो क्या मोदी विजन कई स्तरों पर भारत की शानदार पहचान गढ़ता है? मोदी के पंचप्राण संकल्प के लक्ष्य दूरगामी है, जिसमें भारत की प्राचीन विरासत पर गर्व है, धार्मिक स्थलों का ढांचागत विकास है, भारत की सांस्कृतिक परंपरा से विश्व को जोड़ना है और लक्ष्य बहुत सीधा है कि पर्यटक बढ़ेंगे तो बढ़ेगा स्थानीय रोजगार। और ये सब मिलकर नए भारत की उस विराट सांस्कृतिक और पारंपरिक चेतना से जोड़ते हैं जो वास्तव में विश्व गुरु भारत की आत्मा है। साथियों, ब्रज क्षेत्र में देश में हो रहे हैं बदलाव, ये विकास केवल व्यवस्था का बदलाव नहीं, ये हमारे राज के बदलते स्वरूप का, उसकी पुनर्जागृत होती चेतना का प्रतीक है। राष्ट्र परंपरा और विरासत के इसी गौरव ने हर हिंदुस्तानी को मोदी विजन के साथ भावनात्मक सूत्र से जोड़ा है। तो क्या इसी बदलाव ने कभी सनातन से बचने और बचाने वाले और वोट बैंक के तुष्टीकरण के आरोपों वाले कई चेहरों को बदलने को मजबूर कर दिया है? क्योंकि मोदी वास्तव में धर्म और भक्ति सूत्र से देश को जोड़ते हैं। दक्षिण में आलवार संत और नायनार संत थे, रामानुजाचार्य जैसे आचार्य थे, उत्तर भारत में तुलसीदास, कबीरदास, रविदास और सूरदास जैसे संत हुए, पंजाब में गुरु नानक देव हुए, पूरब में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों का प्रकाश तो आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से भक्ति और ज्ञान की जो धाराएं निकली, उन्होंने एक साथ मिलकर पूरे भारत को जोड़ दिया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की इसी धुरी पर सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी को साधने का प्लान है। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र में विकास धर्म के इसी सूत्र पर इस इलाके में आने वाली 27 लोकसभा सीटों का दांव साधा है, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं और ब्रज क्षेत्र में 13 लोकसभा सीटें आती हैं। वैसे भी 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को ब्रज क्षेत्र में प्रचंड बहुमत मिल चुका है। पश्चिमी क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र की सभी 27 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का टारगेट भगवा फहराने का है। 2022 में ब्रज क्षेत्र में कुल 65 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 53 सीटों पर जीत मिली थी। यही वजह है कि अब पीएम मोदी काशी, अयोध्या और उज्जैन की तर्ज पर बदलाव की बयार बहाकर विकास की अपनी प्रतिबद्धता और संकल्प को पूरा करना चाहते हैं। मोदी का विकास का ये मास्टर स्ट्रोक 2024 की जमीन पर यूपी के 80 सीटों वाली बाजी को साध सकता है। जय श्री कृष्ण। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।